बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्तों का मसला है कि भाई जीमेल का अकाउंट हमने बनाया था और हम जीमेल की आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीमेल की आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने जीमेल का पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर आप अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं या किसी भी किस्म की आईडी का पासवर्ड आप भूल चुके हैं, अपने इंस्टाग्राम का, अपने फेसबुक का, अपने जीमेल का, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं, अगर इस फीचर का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपसे कोई भी पासवर्ड छुप नहीं पाएगा, आपको डेफिनेटली उस पासवर्ड का पता चल जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का मसला ये होता है कि भाई वो जीमेल की आईडी बनाते हैं, अपना जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीमेल का पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लें, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा और आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आप किस तरह अपने जीमेल का भूला हुआ पासवर्ड देख सकते हैं और अपने पासवर्ड को फिर दोबारा से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि जीमेल का पासवर्ड हम कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने जीमेल आईडी का या किसी भी किस्म की आईडी का पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो आप उसका पासवर्ड कैसे शो कर सकते हैं। ये देखें, मेरे पास वीवो का मोबाइल है तो मैं इसमें सिंपली सेटिंग में जाता हूँ। आपके पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो तो आप उसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद बिल्कुल आपने नीचे आना है और ये देखें लिखा हुआ है गूगल, आपने गूगल पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही गूगल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो आपने सिंपली कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये देखें लिखा हुआ है ऑटो फिल। ऑटो फिल का मतलब ये होता है कि आप जब भी अपने मोबाइल में आईडी लॉगिन करते हैं तो वो आपकी आईडी और आपका पासवर्ड अपने पास ऑटो फिल करके सेव कर देता है। तो यहाँ पर आपने ऑटो फिल पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है ऑटो फिल विथ गूगल, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऑटो फिल विथ गूगल पर। उसके बाद ये देखें, आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने सिंपली पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ है पासवर्ड चेकअप वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आपने ये देखें गूगल पे क्लिक करते हैं, देखें क्या खुलता है। तो ये आपसे स्क्रीन लॉक मांग रहा है, मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक दे देता हूँ। उसके बाद आपने डन करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से डन करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें लिखा हुआ है एड यूज़र नेम और नीचे है पासवर्ड। ये जो नीचे आपको पासवर्ड दिख रहा है, इसको आपने सिंपली, ये देखें आंख का निशान है, इसको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपको शो हो जाएगा कि भाई आपकी आईडी का, आपके जीमेल का पासवर्ड ये है। इस तरह से आप अपने किसी भी किस्म की आईडी का पासवर्ड देख सकते हैं। अगर देखें आपके पास फेसबुक लॉगिन होगा तो यहाँ पर फेसबुक भी होगा, अगर आपके पास व्हाट्सअप लॉगिन होगा तो व्हाट्सअप भी होगा, अगर आपके पास इंस्टाग्राम लॉगिन होगा तो आपके पास इंस्टाग्राम भी यहाँ पर आएगा। लेकिन मेरे इस मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ गूगल पर लॉगिन है तो गूगल ही का पासवर्ड शो कर रहा है, बाकी किसी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने किसी भी आईडी का भूला हुआ पासवर्ड शो कर सकते हैं, देख सकते हैं।